अजमेर का जहां मदार रेलवे स्टेशन के पास एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों के टकराने के चलते हादसा पेश आया है। हादसे में ट्रेन का इंजन समेत जनरल कोच के चार डब्बे पटरी को उखाड़ते हुए बेपटरी हो गए हैं। हादसे के बाद यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। आपको जानकारी दें कि ट्रेन नंबर 12548 साबरमती आगरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस रविवार की शाम को तय वक्त पर पटरी से गुजरी थी और उधर हादसे की सूचना पर रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे। बेपटरी हुए कोच और इंजन को पटरी पर लाने के लिए काम शुरू किया गया। हादसा देर रात 1 बजे के आसपास पेश आया है। हादसे की सूचना के बाद एडीआरएम मौके पर मौका मुआयना करने के लिए पहुंचे। आरपीएफ और जीआरपी राहत कार्य में जुटी हुई है। एडीआरएम बलदेव राम कह रहे हैं कि अजमेर आगरा फोर्ट साबरमती ट्रेन रविवार की शाम करीब 5 बजे तक तय वक्त पर हादसे की जगह से गुजरी थी। ट्रेनों का संचालन बिल्कुल सही चल रहा था और रात 1 बजे मादर रेलवे स्टेशन से कुछ दूर पहले दूसरी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन से टकरा गए। हादसे की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। हादसे की वजह से रेल पटरियां उखड़ गई हैं और गनीमत रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे की सूचना के बाद रेलवे अधिकारी और कर्मचारी राहत कार्य में जुटे हुए हैं। मौके से ट्रेन के कोच को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं दूसरे रेलवे अधिकारियों ने अजमेर के रेलवे जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में ट्रेन यात्री को भर्ती कराया है। साथ ही अजमेर रेलवे स्टेशन और मदार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए खाने पीने और चिकित्सा का इंतजाम किया गया है। ट्रैक के दुरुस्त होने पर सभी यात्रियों को गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। एडीआरएम का कहना है कि मौके पर ट्रेन हादसे के चलते पटरियां जमीन से उखड़कर अलग अलग जगह बिखर गई। इंजन और कोच के व्हील जमीन में धंस गए। ऐसे में हादसों की वजहों के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। आज दिनांक 18 मार्च को गाड़ी संख्या 12548 जो कि साबरमती से आगरा की तरफ जा रही थी, उसका अजमेर के पास मदार के होम सिग्नल पर अवपतन हो गया। इस डेरेलमेंट के कारण से इंजन और चार जो जनरल के डब्बे थे उनका अवपतन हो गया है। हमारे अधिकारी जो है दुर्घटना स्थल पर तुरंत पहुंच गए हैं। कोई भी जनहानि नहीं हुई है इस पूरे घटनाक्रम में और कुछ जो मामूली चोट लगी थी पैसेंजर्स को उनको तुरंत ही जन पास के अस्पताल में ले गया गया है। हमारे जो दुर्घटना राहत गाड़ी होती है वो भी साइट पर पहुंच चुकी है। राहत पहुंचाने का काम तुरंत कर दिया गया है और जो रिस्टोरेशन का काम है वो भी शीघ्र कर दिया गया है। हमारी पूरी उम्मीद है कि जो हमारी टीम है वो तुरंत ही साइट को रिस्टोर भी कर देगी। इस पूरे घटना को मॉनिटर कर रही है हमारी अधिकारियां जो है वहां पहुंचे हुए हैं। कंट्रोल रूम में हमारे अधिकारी पहुंचे हुए हैं और अजमेर स्टेशन पर और भी त्वरित जानकारी के लिए किसी भी और भी मदद के लिए हमने एक हेल्पलाइन बनाई है जो कि है 01452429642। मैं पुनः रिपीट करता हूं, जो हमारी हेल्पलाइन है वो है 01452429642। कोई भी परिजन जो है इस लैंडलाइन के माध्यम से गाड़ी के बारे में डिटेल या उनके जो और भी स्थिति है उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो ट्रेन की जो पटरियां हैं वो उखड़ी और उसके बाद हुआ ये कि आमने सामने दो ट्रेन आई, टकरा गई और ये ट्रेन जो है डिरेल हो गई पटरी से, उसके बाद ये हादसा पेश आया। मौके पर जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि रात का वक्त रहा करीब 1 बजे का जब ये घटनाक्रम पेश आया है, वहीं से सहयोगी पवन अटारिया ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा वो आप देखिए। रेलवे स्टेशन पर रात करीब 1:15 बजे एक यात्री ट्रेन के इंजन सहित चार डब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही इस हादसे में किसी की कोई जनहानि नहीं हुई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मेरे पीछे जो इंजन है वो पटरी से उतर गया है और साथ के साथ में चार जो सवारी यात्री के जो जनरल कोच के जो डब्बे हैं वो पटरी से उतर गए। ट्रेन काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि कल शाम करीब 4:45 बजे साबरमती से ग्वालियर के लिए ये ट्रेन रवाना हुई थी और आप जो दृश्य हैं उसमें नज़र आ रहा है कि जो हादसा है वो काफ़ी भयानक रहा होगा। जिस वक्त ये पटरी से ट्रेन और जो इंजन है और जो डब्बे हैं वह उतरे, ये देख सकते हैं जो बिजली के पोल है उस पर टकराती हुई जो ट्रेन है वो आगे की ओर बढ़ी और आप देख सकते हैं जो तमाम जो व्हील हैं वो पटरियों को उखाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ गए। हालांकि इस ट्रेन हादसे के बाद तमाम जो रेलवे के अधिकारी हैं, आरपीएफ, जीआरपीएफ और रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जो सभी
जो यात्री थे जो पिछले जनरल कोच में चार डब्बों में जो बैठे थे उनको सुरक्षित मदार रेलवे स्टेशन पर भेज दिया गया है और यहाँ पर जो बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए हादसे के बाद DRM अजमेर राजीव धनखड़ जी भी पहुँच चुके हैं और जो घटना है उसका जायज़ा ले रहे हैं और पता लगा रहे हैं कि घटचूक कहाँ हुई है। बहरहाल जो स्थिति है वो काफ़ी भयानक यहाँ पर नज़र आ रही है। बचाव कार्य शुरू हो चुका है, गनीमत रही है किसी को चोट नहीं लगी, हल्की फुल्की किसी के खरोंच जरूर लगी है और जो बाकी के जो AC के कोच हैं वो यथावत अभी पीछे की ओर है और वहाँ पर यात्री सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं और किसी को वहाँ पर चोट नहीं लगी है। NDTV राजस्थान अजमेर से पवन अटारिया। और इन सब के बीच में दो तस्वीरें आपके सामने में रखने जा रही हूं। जब ये हादसा पेश आया पहली तस्वीर वो है और क्योंकि अब ट्रेन को रवाना कर दिया गया, तस्वीर दूसरी यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन दरअसल यहाँ पर चल रहा है तो उसी से जुड़ी तस्वीरें दूसरी आपके सामने में रख रही हूँ। तो जब ये घटनाक्रम पेश आया चार डब्बे पटरी से उतरे, पहली तस्वीर इसी से जुड़ी हुई है और दूसरा रेलवे के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और यहाँ पर रेस्क्यू का काम लगातार जारी है, तस्वीर दूसरी उसी से जुड़ी हुई आपके सामने है।